मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ, रोहन नास्कर। हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ, सुहृद समन्ता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 99। हमारे पास एकमात्र मिलन भूमि है, हमारी पवित्र परंपरा, हमारा धर्म। एकमात्र सामान्य आधार वही है और उसी पर हमें संगठित होना पड़ेगा। यूरोप में राजनीतिक विचार ही राष्ट्रीय एकता का कारण है, परंतु एशिया में राष्ट्रीय एकता का आधार धर्म है। अतः भारत के भावी संगठन की पहली शर्त के तौर पर इस धार्मिक एकता की ही आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ, अंकुश्री शाश्मल, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 94। यदि भौतिक दृष्टि से बड़े होना चाहो तो विश्वास करो, तुम वैसे ही हो जाओगे। मैं एक छोटा सा बुलबुला हो सकता हूँ, तुम पर्वत आकार ऊंची तरंग हो सकते हो, परंतु यह जान रखो कि हम दोनों के लिए पृष्ठभूमि अनंत समुद्र ही है। अनंत ब्रह्म हमारी समग्र शक्तियों तथा बल का भंडार है और हम दोनों ही उससे अपनी इच्छा भर शक्ति संग्रह कर सकते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ, रॉनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 28। धर्म को क्षति पहुँचाए बिना ही जनता की उन्नति, इसी को अपना आदर्श बना लो। क्या समता, स्वतंत्रता, कार्य कौशल तथा पुरुषार्थ में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु बन सकते हो? क्या तुम उसी के साथ ही साथ स्वाभाविक, आध्यात्मिक, अंतः प्रेरणा तथा साधनाओं में एक कट्टर सनातनी हिंदू हो सकते हो? यही करना है और हम इसे अवश्य करेंगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ, अंबर समन्ता, नवम कक्षा, पृष्ठ संख्या 32। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा न दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भारत के एक छोटे से गांव की भी सहायता नहीं की जा सकती है। नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ, पृष्ठ संख्या 27, श्रीति माइती, कक्षा 12। मुक्त हम एक क्षण तो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, यही नहीं किसी विषय पर उसे स्थिर नहीं कर सकते और अन्य सबसे हटाकर किसी एक बिंदु पर उसे केंद्रित नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने को मुक्त कहते हैं। ज़रा इस पर गौर तो करो। अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मन हमें सदैव उत्तरोत्तर नीचे की ओर घसीटता रहेगा, हमें चीर डालेगा, हमें मार डालेगा, और नियंत्रित तथा निर्दिष्ट मन हमारी रक्षा करेगा, हमें मुक्त करेगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ, पृष्ठ संख्या 44, शुभ्रजीत माझी, षष्ठ श्रेणी। सभी नीति शास्त्रों में एक ही भाव भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हुआ है और वह है दूसरों के उपकार करना। मनुष्य के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति दया ही मानव जाति के समस्त सत्कर्मों का प्रेरक है और ये सब मैं ही विश्व हूँ और ये विश्व अखंड है, इसी सनातन सत्य के विभिन्न भाव मात्र है। यदि ऐसा न हो तो दूसरों का हित करने में भला कौन सी युक्ति है? मैं क्यों दूसरों का उपकार करूं? परोपकार करने को मुझे कौन बाध्य करता है? सर्वत्र समदर्शन से उत्पन्न सहानुभूति की जो भावना है उसी से यह बात सिद्ध होती है। अत्यंत कठोर अंतकरण भी कभी कभी दूसरों के प्रति सहानुभूति से भर जाता है। और तो और, जो व्यक्ति यह अपात प्रतीयमान व्यक्तित्व वास्तव में भ्रम मात्र है, इस भ्रम मात्र व्यक्तित्व में आसक्त रहना
अत्यंत गर्हित कार्य है। ये सब बातें सुनकर भयभीत हो जाता है। वह व्यक्ति तुमसे कहेगा कि संपूर्ण आत्मत्याग ही सारी नैतिकता का केंद्र है। जय स्वामी जी।